हाय गाइस, माय नेम इज इनिया एंड वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैंने शादी से पहले कैसे वेट लूज किया था और वो तरीका मुश्किल था वेट लूज करने का। इस वीडियो में एज प्रॉमिस्ड मैं आपको बताऊंगी कि मैंने प्रेगनेंसी के बाद 25 केजीज कैसे लूज किया। सो स्टे ट्यून्ड। ये मेरी वीडियो है 2 साल पुरानी। आई वॉज ऑलमोस्ट 80 केजीज। जब मैंने पहले वेट लॉस किया था तब मैंने स्टार्ट किया था 76 या 77 से, और अब जो है मेरा वेट 80 केजीज हो गया। तो मुझे पता था कि अब मुझे इस बार उस पुराने वेट लॉस से भी ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और ये सोच के मुझे इतना स्ट्रेस होता था कि हाउ एम आई एवर गोइंग टू डू इट, क्योंकि मेरे पास फुल टाइम जॉब थी, बच्चा छोटा था। मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया जैसे अभी आप लोग कर रहे हैं। उस रिसर्च में एक बुक जो सामने आई वो थी रुजुता दिवेकर की डोंट लूज आउट वर्कआउट। रुजुता दिवेकर बाय द वे करीना कपूर, आलिया भट्ट, इन सब सेलिब्रिटीज की डाइटिशियन है। तो मैंने ये बुक पढ़ी और इस बुक में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ था। तो जो भी आपको मैं सजेशंस इस वीडियो में दूंगी वो इंस्पायर्ड हैं बाय रुजुता दिवेकर्स बुक। तो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो क्या सीक्रेट था वो मैं अभी आपको बता देती हूँ। सीक्रेट मेरे वेट लॉस का स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। अब आप पूछोगे कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्या होता है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सबसे सिंपल भाषा में है कि आप अपनी मसल्स को कंफर्ट जोन से बाहर लेके आ रहे हो। मतलब अगर अभी आपको कोई भी एक्सरसाइज समझ लो कि करने की आदत नहीं है और अगर आप स्क्वाट्स करने लगते हो तो आपकी लेग्स आपकी पूरी बॉडी का वेट उठा रही हैं, तो आपकी मसल्स को काम करना पड़ रहा है, कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़ रहा है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बहुत फायदे हैं, बट जो सबसे जबरदस्त, सबसे ट्रिमेंडस, सबसे बड़ा जो बेनिफिट जो मुझे पता चला था, जिसकी वजह से मैंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इमिडिएटली स्टार्ट की थी, वो ये था कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अगर आपने अभी वर्कआउट किया, वर्कआउट करने के बाद 24 से 48 घंटे तक 24 to 48 hours तक आपकी बॉडी कैलोरीज बर्न कर रही होती है। हाउ ऑसम इज दैट। अब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बारे में कुछ चीजें आपके लिए जाननी बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज ये है कि वर्कआउट्स को चैलेंजिंग बनाना बहुत जरूरी है। अगर आज की डेट में आपको 10 किलो उठाने की आदत है तो कल अगर आप अपने आप को 11 या 12 किलो उठाने पे मजबूर नहीं करते हो तो आपकी बॉडी 10 किलो के लिए यूज्ड टू हो जाएगी और फिर वो कैलोरीज नहीं बर्न करेगी उतनी। तो इसलिए अपने आप को चैलेंज करना बहुत जरूरी है। शुरू में जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरा बॉडी वेट इतना ज्यादा था कि स्क्वाट्स बिना वेट के करने में मेरी हालत खराब हो जाती थी। शुरुआत अपने बॉडी वेट से की थी मैंने और उसके बाद धीरे धीरे वेट ऐड करती गई। सेकंड चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो वेट लूज करना चाहते हैं वो जो ये सबसे बड़ी गलती जो करते हैं वो ये है कि वर्कआउट के बाद अपने आप को रिप्लेनिश नहीं करते। प्रोटीन वर्कआउट के बाद लेना बहुत जरूरी है। अगर आप बॉडी को एक्सटर्नली प्रोटीन नहीं दोगे तो आपकी बॉडी गेस व्हाट प्रोटीन कहां से लेगी, आपकी एग्जिस्टिंग मसल से। थर्ड चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को मिक्स नहीं करना है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वाले दिन सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है और कार्डियो वाले दिन सिर्फ कार्डियो करना है। तो मैं हमेशा मंडे को लेग वर्कआउट, सेकंड डे रनिंग, थर्ड डे अपर बॉडी वर्कआउट, फोर्थ डे फिर से रनिंग और फिफ्थ डे दोबारा लेग वर्कआउट करती थी। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं तो सबसे जो स्टार्टिंग का जो आपका आधा घंटा है उसमें सबसे मुश्किल एक्सरसाइजेस करिए। मुश्किल एक्सरसाइजेस वो हैं जिनमें सबसे ज्यादा मसल ग्रुप्स आपके यूज हो रहे हैं, जैसे कि स्क्वाट्स हो गए, लंजेस हो गए, लेग वर्कआउट में जो भी मेजर एक्सरसाइजेस हैं, डेडलिफ्ट्स, स्क्वाट्स, लंजेस, ये बहुत बड़ा मसल ग्रुप है लेग जो है आपका। तो उसको अगर आप शुरू में यूज करेंगे तो आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे क्योंकि तब आपकी बॉडी के पास एनर्जी होगी अपनी फुल स्ट्रेंथ देने की। फिफ्थ पॉइंट इज, अगर आपने मंडे को लेग वर्कआउट किया है तो ट्यूसडे को दोबारा से लेग वर्कआउट मत करिए। इसका रीजन बहुत सिंपल है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 24 से 48 घंटे आपकी बॉडी को उस मसल को रिकवर करने में, रीबिल्ड करने में लगते हैं, तो आप दोबारा से उसको चैलेंज मत करिए, उसी मसल ग्रुप पे टारगेट अगले दिन मत करिए। सिक्स्थ पॉइंट इज, 60 मिनट्स से ज्यादा वर्कआउट मत करिए क्योंकि आपकी बॉडी का ये जो GI लेवल्स हैं जो आपको वर्कआउट करने में हेल्प करते हैं वो 30 मिनट्स के अराउंड ही खत्म हो जाते हैं। तो आपकी इंटेंसिटी जो है वो धीरे 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 लो होने लगती है। तो मैंने ये टाइम बाउंड किया हुआ था कि 60 मिनट से ऊपर वर्कआउट नहीं करना है। तो सेवेंथ पॉइंट है,
कि आपको वार्म अप जो करना है वो मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस तरीके से करती थी। तो वार्म अप मैं इस तरीके से करती थी कि अगर मुझे स्क्वाट्स करने हैं और मैं 20 पाउंड्स पे स्क्वाट्स कर रही हूँ, तो मैं जो वार्म अप अपना सेट था, पहला सेट जो वार्म अप का करती थी, वो 10 पाउंड्स का, मतलब आधे वेट का वार्म अप सेट लगाती थी, और फिर बाद में धीरे 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 उसको और चैलेंजिंग बनाती जाती थी। बट फर्स्ट जो था वो हाफ वेट से वार्म अप करती थी। तो वार्म अप ज़रूर करना, वार्म अप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंजरी हो जाती है अगर आप ठीक से वार्म अप नहीं करते, तो इट्स इम्पॉर्टेंट। तो ये जो है 7 चीज़ों का मैंने ध्यान रखा था जब मैंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी स्टार्ट की थी। एक और पॉइंट मैं आपको मेंशन करके बताना चाहती हूँ कि मैंने इनिशियली एक ट्रेनर भी हायर किया था टू टीच मी हाउ टू वर्कआउट। तो अगर आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है तो आप उसको ज़रूर यूज़ करना। सो ये सारे चेंजेस मैंने किए थे अपनी लाइफ में एज फार एज एक्सरसाइज इज कंसर्न। और इसके अलावा जो डाइट में मैंने चेंजेस किए थे वो मैं बहुत ही क्विकली बता दूंगी। डाइट से रिलेटेड मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ 2 ही चेंजेस लाए। फर्स्ट इज पोर्शन कंट्रोल, कि पोर्शन मैं कितना खा रही हूँ। जब भी मुझे खाना है तो मुझे अपनी भूख से कम खाना है, और हर 2 घंटे में खाना, हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाना। सिर्फ ये 2 चीज़ें मैंने फॉलो की डाइट से रिलेटेड। अब मैं आपको सैम्पल बता देती हूँ कि मैं कैसी डाइट फॉलो करती थी। जैसे कि सुबह उठ के ओट्स बना लिए, एक छोटे कप ओट्स में थोड़ी ब्लूबेरीज और बनाना डाल लिया, और ब्रेकफास्ट हो गया ओट्स का, 1 कप ऑफ ओट्स। उसके साथ चाय ले ली। उसके बाद जो स्नैक्स का टाइम है लंच से पहले, उसमें क्यूकम्बर, कैरेट, सैलड, मतलब बेसिकली सैलड या सूप, जो मर्जी खाने का उस दिन मन कर रहा है वो ले लिया। और सैलड और सूप पे कोई पाबंदी नहीं थी, आप जितना मर्जी खा सकते हो, उनसे न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं और उसमें कोई खास कैलोरीज भी नहीं होती हैं। और लंच में एक चपाती और जो भी सब्जी घर में बनी हुई है वो, उसके साथ थोड़ी सी दही और सैलड, अगर आपकी भूख लग रही है तो उस भूख को मैं सैलड से पूरा कर लेती थी। उसके बाद शाम का जो स्नैक्स था उसमें मैं चाय और रस लेती थी, एक रस ले लिया चाय के साथ, और अगर बहुत भूख लग रही है तो हैंडफुल ऑफ नट्स, पीनट्स ले लिए, या फिर थोड़े से आलमंड्स खा लिए, थोड़े से कैशूज खा लिए। तो ये शाम को स्नैकिंग के लिए हो जाता था। और रात को डिनर में फिर से एक चपाती, दाल, सब्जी, जो भी घर पे सबके लिए बन रहा है वही मैं खाती थी। कभी कभी रात को दाल चावल भी ले लेती थी। तो जो भी घर पे नॉर्मली बन रहा है, बस दिस इज इट। आई होप मेरी वेट लॉस जर्नी से आपको थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी, आपकी थोड़ी बहुत हेल्प होगी, और अगर होती है तो कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। आपके अगर कोई फ्रेंड्स हैं जो प्रेगनेंसी के बाद वेट इश्यूज़ के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। एंड I'll be posting more videos soon. This is Xenia Mehta signing off. Bye bye.